कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के चौथे दिन 35 अस्पतालों के 59 बूथों पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविशील्ड और जिले के नए 2 अस्पतालों में कोवैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें जिले में कुल 35 अस्पतालों के 59 बूथों पर 5132 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में 1696 पुरुष और 3436 महिलाएं शामिल रही। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 82.4% स्वास्थ्य कर्मियों का आज टीकाकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 अस्पतालों में कोवैक्सीन का भी टीकाकरण किया गया, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, शुक्रवार को हुए टीकाकरण अभियान में भी यह सामने आ गया है। राहत की बात यह है कि गोरखपुर में वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज 29 तारीख को कोविड वैक्सीनेशन में 35 हॉस्पिटल्स लिए गए थे, जिसमें हमारे जिला अस्पताल भी और पीएससी भी सम्मिलित हैं, और उनमें से 59 बूथ पर टीकाकरण हुआ है। और हमारे मेल जो 1696 मेल पुरुषों ने टीकाकरण कराया और 3436 महिलाओं ने टीकाकरण कराया। टोटल 5132 लोगों ने टीकाकरण कराया। हमारा जो परसेंटेज आज के दिन का है 82.4%। जिला अस्पताल के SIC ने भी टीकाकरण कराया और बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई थी और बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, और इससे भी साबित होता है कि टीकाकरण बिल्कुल ही सुरक्षित है। सर, कोवैक्सीन भी लगाया गया है? कोवैक्सीन भी लगाया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, और रेलवे हॉस्पिटल में कोवैक्सीन भी लगी है, वहाँ भी बिल्कुल ही सब लोग ठीक है। सर, क्या कहा जाए कि मतलब जो भी टीकाकरण कोवैक्सीन है या कोविशील्ड का जो टीकाकरण हो रहा है, इसको लेकर कहीं से भी कोई शिकायत अब तक मिली? नहीं, कहीं से भी कोई शिकायत बिल्कुल ही नहीं मिली है। पहले जो कुछ एप्रिहेंशन लोगों को था कि नया टीकाकरण लगा, थोड़ा सा घबराहट हल्का फुल्का, जो आज के दिन से बिल्कुल ही वो भी नहीं है लोगों को महसूस हो रहा है। सब महिलाओं पुरुषों की तादाद में किसकी संख्या ज्यादा है? महिलाएँ काफ़ी संख्या में हैं, महिलाओं की तादाद लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ये अगला टीकाकरण कब स्टार्ट होगा? अब हमारा 4 फरवरी को टीकाकरण होगा, जिसमें भी 6000 के आसपास लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य है।